नमस्कार दोस्तों, द वैक्सीन वार के टेलर रिव्यू में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, द वैक्सीन वार विवेक अग्निहोत्री जी द्वारा डायरेक्ट की गई ये फिल्म, जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स, ताशकंद फाइल्स जैसी फिल्में बनाई है, तो बहुत ज्यादा उम्मीदें इस फिल्म से अपने आप ही बढ़ जाती है। लेकिन बॉलीवुड के इकोसिस्टम के विरुद्ध ये फिल्म है, तो इसको रोकने के लिए फोकरे 3 सामने आ रही है। खैर, उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। जहां तक ट्रेलर की बात करें, अगर एक लाइन में मैं इसका रिव्यू करूं तो फैंटास्टिक, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इमोशनल ट्रेलर है। किस प्रकार से कोविड के दौरान हमारे देश में वैक्सीन के लिए कितनी जरूरत थी, विदेशों ने हमें वैक्सीन देने से मना कर दी थी, और किस प्रकार से हमारे साइंटिस्टों ने अथक मेहनत के बहुत ही जबरदस्त प्रयास के बाद में, तमाम कठिनाइयों के बावजूद किस प्रकार से वैक्सीन बनाई, और किस प्रकार से उनको पहले बजट नहीं दिया जाता था वैक्सीन बनाने के लिए, सबके बारे में बात की गई है। और किस प्रकार से फिर ये वैक्सीन बना करके मानवता की जान बचाई गई, कितना उनके ऊपर बड़ा प्रेशर था, और किस प्रकार से उनको कुछ जो लोग होते हैं, जो आप जानते हैं किस तरह के लोग होते हैं, जिन्होंने उनके हंसी उड़ाई कि भारत कभी भी वैक्सीन नहीं बना सकता, किस प्रकार से उनको डीमोरलाइज किया गया। तो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये फिल्म है। नाना पाटेकर, इतनी जबरदस्त उनकी एक्टिंग है, कई बार लगता ही नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं, साइंटिस्ट के रोल में है। पल्लवी जोशी, अनुपम खेर की भी एक झलक ट्रेलर में दिखाई देती है लास्ट में, जब वो नाना पाटेकर से पूछते हैं कि मुझे ये बताइए कि भारत वैक्सीन बना सकता है या नहीं बना सकता है, और जब नाना पाटेकर कहते हैं कि 100% हमारी स्वदेशी वैक्सीन बनेगी, मजा आ जाता है। दोस्तों, बहुत ही इमोशनल फिल्म है। और पल्लवी जोशी को जब नाना पाटेकर कहते हैं कि जिस प्रकार अर्जुन का लक्ष्य मछली की आंख थी, उसी प्रकार से हमारा एकमात्र लक्ष्य है वैक्सीन बनाना, और इसको हम बना करके दम लेंगे। तो दोस्तों, काफी उनका किस तरह का उनका स्ट्रगल है, किस प्रकार का उनका संघर्ष है, किस प्रकार से उन लोगों को डिमोरलाइज किया जाता है सबके द्वारा, किस प्रकार से उनकी हंसी उड़ाई जाती है, पूरा विश्व कहता है कि भारत नहीं कर सकता, पूरा मतलब जितने भी ये जो घोर विरोधी है, आप जानते हैं किस प्रकार का माहौल था, किस प्रकार से सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, और किस प्रकार से फिर जब हमारी स्वदेशी वैक्सीन आई और किस प्रकार से लाखों लोगों की जान बचाई गई, फ्री वैक्सीनाइजेशन किया गया अपने देश में नहीं बल्कि पूरे विदेशों को वैक्सीन बांटी गई फ्री के अंदर, और किस प्रकार से फिर पूरे वर्ल्ड में भारत की वाहवाही हुई थी, इन सब से आप परिचित है। तो उस संघर्ष के, इन सब को अचीवमेंट करने के लिए कितना बड़ा संघर्ष हुआ था, क्या क्या बलिदान हमारे साइंटिस्टों ने दिया था, क्या क्या प्रयास हमारे डॉक्टर्स ने किया था, क्या क्या सरकार ने उनको सहायता दी थी, इन सब के बारे में दोस्तों ये फिल्म है। और बहुत ही जबरदस्त ये फिल्म होने वाली है। मैं आपको वाकई कह रहा हूँ कि मैं तो ट्रेलर में ही इतना ज्यादा इमोशनल हो गया कि मतलब मेरी आंखें नम हो गई ट्रेलर देख के। जब आप फिल्म देखोगे तो आप डेफिनेटली हिलोगे नहीं, अपनी सीट से हिलोगे नहीं, इतना बांध करके आपको ये फिल्म रखने वाली है। और इसको आर माधवन ने भी देखा है, और अमेरिका में भी कई जगह स्क्रीनिंग हुई है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तारीफें ये फिल्म प्राप्त कर चुकी है, कई अवार्ड ये फिल्म जीतेगी। अब ऐसी फिल्म को एक सपोर्ट की जरूरत है, बॉलीवुड इस फिल्म को सपोर्ट नहीं करेगा, उनके इकोसिस्टम के विरुद्ध ये फिल्म है। जिस प्रकार से द कश्मीर फाइल्स को सपोर्ट नहीं किया गया था, वैसे इस फिल्म को कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। पब्लिक की फिल्म है, पब्लिक के कारण ही ये फिल्म चलेगी, तो आपको सपोर्ट करना जरूरी है इस फिल्म को, ऐसी फिल्म को जो हमारे देश की रियलिटी दिखाती है, जो ऐसी फिल्म बनाने के लिए जो साहस चाहिए, जो सच बताने की हिम्मत चाहिए, वो विवेक अग्निहोत्री ने यहाँ पे दिखाई है एक बार फिर से। तो ऐसी फिल्म को सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि इसके सामने फुकरे 3 उतार दी गई है, और बॉलीवुड को इसको ना ज्यादा स्क्रीन दिए जाएंगे। जिस प्रकार से कश्मीर फाइल्स मात्र 300-350 स्क्रीन पर पहले दिन रिलीज हुई थी, और फिर बाद में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी, तो वैसी ही द वैक्सीन वार भी बन सकती है। एक ऐसी फिल्म है जो आप आराम से अपने परिवार के साथ देख सकते हैं, और उस दर्द, उस पीड़ा को महसूस कर सकते हैं जो हमारे देश के लोगों ने महसूस की थी, और जो प्रयास और जो पीड़ा हमारे साइंटिस्टों ने भी उठाई थी बजट के अभाव में, या उनको जिस प्रकार से क्रिटिसाइज किया गया था, उन सब के बारे में ये फिल्म बात करती है। बहुत ज़्यादा रिसर्च विवेक अग्निहोत्री जी ने यहाँ पे की है, उसके बाद में ये फिल्म बनाई गई है। तो मुझे ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों, बहुत ही शानदार इमोशनल ट्रेलर है, बहुत ही रियल फिल्म है, सच्चाई के करीब है। ऐसी फिल्म बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा साहस की जरूरत होती है, और अब ये सब कुछ पब्लिक के ऊपर डिपेंड है, भारत की जनता पे डिपेंड है कि वो इस फिल्म को किस प्रकार से लेती है। मैं इस ट्रेलर को दोस्तों कम से कम 4/5 रेटिंग देता हूँ, और आप बताइएगा आपको ट्रेलर कैसा लगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।